الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. हमारा जो यहाँ पे ग्लोबल मराम में सबक चल रहा है वो है किताब उस्सलात, और उसमें बाब सूत्रा तिल मुसल्ली यानी नमाजी के सूत्रे का बाब ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे जो लास्ट टाइम हमने हदीस पढ़ी थी वो ये थी कि अगर कोई आगे से गुजरना चाहे तो उसको रोके, और अगर वो ना रुके तो फिर फल युकातिल हो यानी उसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया जा सकता है नमाज के दौरान। फैनमा हुआ शैतान, क्योंकि वो शैतान है। तो ये बुखारी मुस्लिम की हदीस थी जो हमने पढ़ी थी। आज की जो अहादीस हैं उनमें सबसे पहले अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम, बस जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़ने लगे। यहाँ पे चूंकि सूत्रा नमाज से पहले रखते हैं इसलिए नमाज का इरादा मुराद है यहाँ। इज़ा सल्ला अहदुकुम, जब तुम में से कोई नमाज का इरादा करे, फल यजअल तिल्का वजहिही शैया, बस चाहिए कि वो अपने चेहरे के सामने कोई चीज रख ले। फइन लम यजिद, अगर वो ना पाए, फलियन से बासन, तो वो अपनी लाठी को गाड़ ले, नसब कर ले, लाठी को सामने गाड़ ले। फइन लम यकुन, अगर ये भी ना हो, फल ये खुद तखत्तन, तो एक लाइन खींच ले। सुम्मला यजुर हो, फिर नहीं तकलीफ देगा उसको या नुकसान पहुंचाएगा उसको, मम्मर रबैना यदई ही, जो उसके सामने से गुजरेगा। जब तुम में से कोई एक नमाज का इरादा करे तो अपने चेहरे के सामने कोई चीज रख ले, अगर ना मिले तो फिर अपनी लाठी गाड़ ले, बस अगर वो भी ना हो तो फिर एक खत खींच ले। फलिया खुद तखत्तन, एक खत खींच ले, एक लाइन खींच ले। मर्रा बैन यदई ही, फिर उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा जो कोई उसके आगे से गुजरेगा, यानी उस लाइन खींची होगी या लाठी गाड़ी होगी या कोई चीज रखी होगी तो उसके परे से कोई चीज गुजरेगी तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अखराजहू अहमद व इब्न माजह व सहा इब्न हिब्बान, मुस्नद अहमद में है ये रिवायत, सुनन इब्न माजा में है, और इब्न हिब्बान ने इसको सही कहा है। वलम युसिब मन ज़अम अन्नहु मुज़दरिब, और इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि वो दुरुस्त बात नहीं कही जिसने ये समझा है कि यह हदीस मुज़दरिब है, बल हुवा हसनन, बल्कि ये हसन है। तो एक बात तो यह है, मन से मुराद कौन है यहाँ पे? तो मन से मुराद इबन सलाह है, मुहद्दिस है वो। और मुज़दरिब हदीस वो होती है, बाज मुज़दरिब सनद होती है, बाज मुज़दरिब मतन होती है। तो उसका माना ये होता है कि रावी को रुवात के नाम सही तरह से याद नहीं रहते, या फिर उसको मतन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सही याद नहीं होती। तो यहाँ पे ये मुज़दरिब नहीं है, क्योंकि बहुत से मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है, जैसे यहाँ पे इब्ने हिब्बान भी हैं, इन्होंने भी सही कहा है, और इब्ने खुज़ैमा में भी है, और भी इब्ने अब्दुल बर वगैरह ने भी इसको सही कहा है। तो ये हदीस बिल्कुल ठीक है। तो इससे अगर हम मसाइल अखज करें तो पहला मसला तो ये है कि बहुत इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो सूत्रे का एहतिमाम करे। तो सूत्रा जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ऊंट का जो पालान होता है या कजावा होता है उसकी जो टेक के बकदर होना चाहिए, अगर वो कोई इस तरह की चीज नहीं मिलती तो फिर उसके पास लाठी है, तो वो लाठी, चूंकि ये माजी में एक रुझान था कि चलते हुए सफर करते हुए या वैसे भी कोई ना कोई लाठी हाथ में रखते थे, तो लाठी या ना हो तो कोई स्टिक मिल जाती है तो वो आगे गाड़ ले, तो अगर वो भी नहीं है तो फिर खत खींच ले। ये खत खींचना ऐसी जमीन पर होगा जहां पे खत नजर आ रहा हो, यानी वो लाइन नजर आए, मसलन जमीन मट्टी वाली हो या कोई रेत वाली हो, इस तरह की हो। अमूमन जिस तरह हमारे यहाँ पे
कालीन वगैरह होते हैं मस्जिद में, या फिर पक्के फर्श होते हैं, तो यहाँ पे चूंकि वो लाइन नजर नहीं आती तो इसलिए यहाँ मुराद नहीं है, क्योंकि शरीयत जो हुक्म देती है तो उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए कि जहाँ पे वो कम से कम खत नजर तो आए ना। तो अब उस लाइन के परे से कोई गुजर जाए तो कोई नमाज में डिस्टरबेंस नहीं होगी, कोई नमाज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक्तउ सलात शैउन वदरा मस्तताता, नमाज को कोई चीज भी नहीं काटती, वदरा मस्तताता, लेकिन वदरा का मतलब ये होता है कि गुजरने वाली चीज को हटाओ, ठीक है, यानी आगे से कोई चीज गुजर रही है तो उसको जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उसको हटा दो, यानी कोशिश करो हटाने की, लेकिन अगर कोई चीज गुजर जाए तो कोई चीज भी नमाज नहीं तोड़ती और नमाज को कता नहीं करती। तो इस मसले को भी समझ, एक तो ये रिवायत ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में ज़ौफ़ है, और वो ज़ौफ़ इस तरह से है कि एक रावी है जिसको जिसका नाम मजालिद बिन सईद है, और वो मुतकल्लम फी है, यानी उसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया। दूसरा ये है कि एक अथेंटिक हदीस जो पीछे हम पढ़ आए हैं उसके भी ये खिलाफ है। वो हदीस क्या थी कि नमाज काट औरत और इसी तरह से हिमार और कल्ब, ये तीन चीजें जो है ये नमाज को काट देती हैं। तो यहाँ पे इन तीन चीजों का इस्तिस्ना नहीं है, और वैसे भी ये रिवायत ज़ईफ़, तो उसी रिवायत को लिया जाएगा, तो सूत्रे का एहतिमाम बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हमारा जो सूत्रे का बाब है वो खत्म हो गया। तो इससे पहले कि हम आगे नमाज में खुशू व खुजू का बाब पढ़ें, आप में से किसी का कोई सूत्रे के मुतालिक सवाल है तो वो पूछ ले। जी हम आगे चलें फिर। यस सर, ठीक है, बाबुल हस्य अल खुशूई फिस सला। अल हस का जो माना है ना, ये होता है इंस्पायर करना, उभारना, यानी इसको आप यूं कह लें मोटिवेट करना। अल खुशूई, खुशू पर, फिस सलाती नमाज में, तो इस बाब में वो अहादीस आएंगी जिनसे ये समझ आएगी कि नमाज में खुशू व खुजू होना चाहिए, और इस पर बाज़ रिवायात आएंगी जो इस पे उभारेंगी यानी मोटिवेट भी करेंगे। तो इसमें पहली रिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युसल्ली अर्रजुलु मुख्तसिरन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आदमी नमाज पढ़े मुख्तसिरन, अपने कोल्हों पे हाथ रख के। अब नमाज में जो है क्याम की हालत में हाथ सीने पे बांधने का हुक्म है, और बाकी भी जितने नमाज के अरकान और सजदा रुकू, हाथ कहाँ रखने हैं, कैसे बैठना है, सारी हैयत वाजे है। तो अब ये जो आगे देख लें, यज अला यदहु अला खासिरती, सही मुस्लिम में जो ये अल्फाज हैं जो पीछे हदीस गुजरी है, इसका माना ये है कि अपने कोल्हों पे हाथ रखे। अब ये कोल्हे क्या होते हैं, यानी ये जो इंसान की पसलियां खत्म होती हैं और नीचे हड्डी के बगैर वाला हिस्सा शुरू होता है, ये होता है खासिरा, तो यहाँ पे हाथ रखना, तो ये गफलत की निशानदेही, आदमी कभी गफलत में खड़ा हो तो यहाँ हाथ रख लेता है, तो नमाज में इस तरह हाथ रखना ये ठीक नहीं है। तो ये खुशू के मनाफी है, नमाज के अंदर जो तवज्जो है, कंसंट्रेशन है, उसके खिलाफ है ये बात, तो आपने मना किया कि इस तरह नमाज पढ़ी जाए। और ये सही बुखारी में आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से है, अन्नज़ालिका फ़िअलुल यहूदी फी सलातिहिम, ये जो काम है इख्तिसार और कोल्हों पे हाथ रखना नमाज के दौरान, तो ये यहूदियों का अमल है। तो चूंकि यहूदी वो भी बड़ी गफलत में इबादत करते हैं और
नमाज जो है अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी, आप देखे ना कि जब एहसान की तारीफ पूछी थी जिब्रील अमीन ने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब इंसानी शक्ल में आए थे, तो आपने आगे से एहसान को डिफाइन यूं किया था, ताबुद अल्लाह का अन्ना का तराह फैलम तकुन तराहु फैन्नहु यराक, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे, ये एहसान फिल इबादा है, अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया के तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये फीलिंग्स पैदा नहीं होती तो कम अज कम ये जरूर सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो ये एहसान है नमाज में, तो यही खुशू है। यानी इतनी तवज्जो के साथ, इतने इन्हिमाक के साथ, इतनी कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ना कि इंसान यूं फील करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन आप जरा देखें कि किस कदर नमाज में खुशू खुजू पर उभारा गया। तो या जाहिर है नमाज सबसे बेहतरीन इबादत। तो जब बंदा अपने कोल्हों पे हाथ रखेगा तो लाउबालीपन आ जाता है इसमें, यानी नमाज के अलावा भी कभी आप किसी को देखें या खुद कभी मुशाहिदा करें, तो बंदा हाथ तभी रखता है जब वो गफलत में होता है, और गफलत भी कोई परले दर्जे की होती है, तो उसमें फिर आदमी इस तरह से खड़ा हो जाता है। तो आगे वजाहत भी आ गई, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी वजाहत कर दी कि ये यहूदियों का नमाज में तरीका है। तो पहली चीज जो खुशू के मनाफी थी उससे मना कर दिया, और वो क्या है कि कोल्हों पे हाथ रखना। दूसरा, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा कुद्दिम अल आयशा फबदाउ बिही कबल अन तुसल्लुल मगरिबा, मुत्तफकुन अलैह। कि जब इजा जब कुद्दिमा पेश किया जाए, अल आयशाउ रात का खाना, फबदाउ बिही बस उससे आगाज करो, कबल अन तुसल्लुल मगरिबा इससे पहले कि तुम मगरिब पढ़ लो। यानी अगर शाम का खाना पेश किया जा रहा है तो पहले खाना खाओ फिर बाद में नमाज मगरिब अदा करो। इस हदीस से भी बहुत सी बातें साबित होती हैं, इंशाल्लाह हम वन बाय वन देखते हैं। एक बात तो इसमें यह साबित होती है कि पहले तो मैं बताता हूँ कि अल आशाओ आइन के फतह के साथ ये शाम के खाने को कहते हैं, और गदा ये दिन के इब्तदाई हिस्से के खाने को कहा जाता है। आप जरा ये देखें कि मगरिब से पहले ये खाना खाया जाता था शाम का, गोया कि शरीयत इस्लामिया को अगर हम बगौर देखें और मुताला करें तो हमें ये समझ आती है कि ये जो हम लेट नाइट खाना खाने का जो रवाज है हमारे यहाँ, इससे हमारी फजर मुतासर हो जाती है। अगर मगरिब से पहले खाना खाया हो और फिर मगरिब बाजमात नमाज पढ़ी हो और फिर ईशा भी पढ़ी हो, तो खाना मतलब बड़ा उसके उसके हजम होने का कोई मसला नहीं होता, और फिर आदमी नींद ले लेता है और फजर के वक्त बेदार भी हो जाता है, और फिर सुबह भी जल्दी खाना खा लेना चाहिए। तो ये एक तो शरीयत की बारीकियां हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें मिलती हैं। तो मगरिब से पहले खाना खाने का रिवाज आजकल तो बहुत कम है, शायद देहातों में अभी भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन बहरहाल ये शाम का खाना मगरिब से पहले थोड़ा खा लेना, उसके बाद नमाजें दो पढ़े पढ़ेगा ना शख्स, तो हमारी बहनें घर में पढ़ेंगी, थोड़ा चलें फिरेंगी तो वो भी, और भाई जो हैं वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करेंगे तो वो भी, तो ये बहुत अच्छी वॉक भी हो जाएगी खाने के बाद। तो एक तो ये यहाँ पे सामने आते, और फिर फजर जो है उसके लिए जागना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर खाना खा चुके होंगे और फिर ईशा के फौरन बाद सो जाना चाहिए, जैसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोना और ईशा के बाद वल हदीस बादहा, बाद में बातें करना और इस तरह की चीजों को नापसंद करते थे, यानी मुबाह कामों को भी नापसंद करते थे, इवन के चे जाए कि हम सोशल मीडिया पे कोई बुरी चीजें देखें या पर्दे स्क्रीन पे कोई गलत चीजें देख के रात गुजारें, तो अल्लाह के रसूल मुबाह चीजों को भी नापसंद करते थे कि उसके बाद बातें वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, सो जाना चाहिए। और ये तो खैर एक एक बात तो ये यहाँ से साबित है। दूसरी बात ये है कि जब खाना मौजूद हो सामने हाजिर हो तो फिर पहले खाना खा लेना चाहिए, नमाज बाद में पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि सारी तवज्जो फिर इंसान की खाने की तरफ होगी।
और जाहिर है जो तरीक़ाकार है खाने का, तो शाम का खाना असल में होता यह है कि हम वक्फे वक्फे से बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, और आजकल डॉक्टर्स भी वो ये कहते हैं मरीजों को कि कम खाओ कम खाओ। तो पहले तो होता ये था कि बहुत कम खाना मिलता था और बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता था, तो खैर भूख शदीद लगी होती थी। तो अब भूख भी लगी है, खाना भी सामने मौजूद है, और उधर से नमाज मगरिब का वक्त भी है। तो फिर यहाँ पे बजाय इसके कि वो नमाज में खाने की तरफ ध्यान करे, आप देखिए ना बाब क्या है, बाब है नमाज में खुशू का, तो खाने की तरफ तवज्जो हो और आदमी नमाज भी पढ़ रहा हो तो फिर वो तवज्जो नहीं रहेगी नमाज में। इसलिए आपने फरमाया कि पहले खाना खाना, और फिर ऐसा भी नहीं है कि दो तीन लुकमे लगा ले और फिर खाना खाने वो नमाज पढ़ने चला जाए और फिर भी उसकी तवज्जो ये वही रहेगी। तो खाना वो सही खाए, अपनी भूख मिटा के उसके बाद फिर वो नमाज पढ़ ले। तो गोया कि हमारा ये उसलूब होता है, हम कहते हैं जी नमाज पढ़ लो जल्दी जल्दी फिर तसल्ली से खाना खाएंगे। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे इस हदीस से भी हमें ये साबित हो रही है बात कि पहले खाना खा लो और फिर उसके बाद नमाज पूरे इन्हिमाक के साथ, क्योंकि अल्लाह से मुलाकात है ना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आदमी सर बसजूद होता है, अपने हवाइज रखता है अल्लाह के सामने, और ये नमाज अल्लाह से मुलाकात का एक बहुत बहुत बेहतरीन जरिया है, और इसके लिए एहतमाम भी करना चाहिए। खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, के हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करनी चाहिए। तो खैर गोया कि खाना और उसकी तरफ तवज्जो और ध्यान ये भी खुशू के मनाफी है। इसके बाद काफी तफसीलात हैं, इसमें कुछ बातें हमने आपसे कर दी। इसके बाद अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा काम अहदुकुम फिस्सला, जब तुम में से कोई एक नमाज में खड़ा हो, फलायम सहिल हसा, बस वो कंकरियों को ना छुए, फइन रहमता तुवाजिहु, बस बेशक रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। रवाहुल खमसतु इसनादिन सही है, वजाद अहमदु वाहिदतन औदा, एक दफा या फिर छोड़ दे, यानी जब कोई एक नमाज पढ़ने लगे तो कंकरियों को ना छुए, बेशक रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। और मुस्नद अहमद में ये इजाफा है कि एक दफा छू ले या फिर रहने दे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मस्जिद थी वो कोई इस तरह कारपेटेड उसके फर्श नहीं थे और कोई मार्बल नहीं लगा हुआ था, कच्चा फर्श था। तो मट्टी को मजबूत करने के लिए बाज़ुकात वहां पे कंकर भी डाल दिए जाते थे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब सजदा करेगा तो वो कंकरियां उसको छुएंगी, उसके माथे को लगेंगी। तो आपने फरमाया बहुत बेहतर है कि वो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर ले, और नमाज पढ़ने में जितनी मुशक्कत बर्दाश्त करेगा उतना ही अजर उसके लिए ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर वो एक दफा उसको हाथ से कंकरियों को साइड पे कर दे और सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, आप देखें जरा यहाँ पे मस्जिद नबी, अल्लाह के रसूल के दौर की मस्जिद और आज के दौर की हमारी मसाजिद, कितना फर्क है। और सुभान अल्लाह आगे बात आएगी रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का और हमारे घरों का कितना फर्क है। तो उस वक्त ये मस्जिदें इस तरह की थीं और दिया जलाने के लिए भी ऑयल नहीं होता था, इतने चिरागों और इतनी रोशनियां कहाँ से हों, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ईमान देखें आपके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर व किसरा फतह होने की खुशखबरी और बशारतें दे रहे थे, और वो गजवा अहज़ाब में पूरी बातें मौजूद हैं। तो खैर यहाँ पे जो बाब से मुतालिक बात ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि नमाज में कोई हरकत ना हो, लेकिन अगर लापता बहुत जरूरी हो तो फिर हरकत कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये खुशू के मुनाफी। अब ये नहीं है कि हर बार जब भी सजदा, अब एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, तीन रकते उसने पढ़नी है तो उसमें छह सजदे हैं, तो छह बार वो नमाज में सिर्फ अपने सजदे की जगह ही साफ करता रहे,
या 4 रकत की नमाज है तो कम से कम 8 सजदे हैं, तो 8 मरतबा नमाज में वो अपने सजदे की जगह ही साफ करता रहे तो ये नहीं है। बस करना भी है तो एक दफा कर ले, ये रहने दे, तो छोड़ देना ये अफजल और बेहतर है। तो इससे भी ये बात समझ आती है कि नमाज में खुशू खुजू कितना जरूरी है। तो ऐसी हरकत जो नमाज की इस्लाह के लिए हो तो वो ठीक है, लेकिन वो हरकत भी कलील होनी चाहिए, कसीर नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा वो हरकत नहीं होनी चाहिए। वफी सही, और सही में है, अन मुअक्किबिन नहवुहु, मुअक्किब से इसी इसी की मिसल, बगैरी तालील, तालील के बगैर। तालील से मुराद क्या है? इल्लत, यहाँ पे जो इल्लत है ना, फइन्न रहमता तुवाजिहु, यानी ना छुए कंकरियों को क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके मुतवज्जे होती है। तो आप जरा ये भी देख लें कि रहमत मुतवज्जे होगी अल्लाह ताला की, तो इससे ये भी साबित होता है कि जब आदमी नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह की रहमत उसको पूरा मॉनिटर कर रही होती है और पूरा तवज्जो कर रही होती है उसकी तरफ। तो ये बात भी बड़ी काबिल फहम है। इसके बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस है, कालत कहती हैं, सअल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफात फिस्सला, कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इल्तिफात के बारे में पूछा। इल्तिफात क्या होता है? मैं अभी हम बात करते हैं इंशाल्लाह। फकाला, तो आपने फरमाया, हुआ इख्तिलासुन, ये उचक लेना है, यख्तालिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्द, जो उचक लेता है शैतान बंदे की नमाज से। रवाहुल बुखारी, ये इमाम बुखारी ने रिवायत की है, वली तिरमिजी है, और इमाम तिरमिजी के यहाँ अनस रजी अल्लाह तआला से है, और वो इमाम तिरमिजी ने उसको सही भी कहा है कि इयाक वल इल्तिफात फिस्सला, नमाज में इल्तिफात से बचो, फइन्नहु हलाकतुन, बस बेशक ये हलाकत है, फइन कान लाबुद्दा फफित तत्वई, बस अगर बहुत जरूरी हो तो फिर नफल नमाज में कर लो। अच्छा, ये इल्तिफात कहते हैं दाएं बाएं देखने को, यानी नमाज में राइट लेफ्ट देखना, यानी किसी, चूंकि नमाज पढ़ते हुए सजदे की जगह पे नजर रखनी चाहिए। तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि नमाज में जो इल्तिफात है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया कि अच्छा, ये अजान सुन ले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। La
अच्छा जी, तो इल्तिफात नमाज में इधर उधर देखना, इसकी वैसे दो किस्में हैं, एक इल्तिफात बदनी और एक इल्तिफात कलबी। यानी इल्तिफात का माना आप यूँ समझ लें कि तवज्जो हटा लेना। तो बदनी इल्तिफात में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो वो है जो नमाज को बातिल कर देता है, यानी आपने पूरा घूम के दाई तरफ देख लिया या बाई तरफ देख लिया, या आगे हदीस हम पढ़ेंगे कि ऊपर आसमान की तरफ देख लिया, तो पूरा यानी फिजिकल आप घूमे और नजर भी घुमा ली, तो फिर तो नमाज बातिल हो जाती है ना, फिर तो नमाज से आदमी निकल गया। लेकिन अगर सिर्फ नजर कुछ घुमा ली तो इससे नमाज को जरर तो पहुंचेगा, यानी नमाज को नुकसान तो पहुंचेगा, उसको उसका खुशू और खुजू मुतासिर भी होगा और उसमें सवाब में भी कमी होगी, लेकिन नमाज बातिल नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह इल्तिफात कल्बी जो है दिल, उसमें भी अगर आदमी बहुत ज्यादा अपने वसवसों की पैरवी करता रहेगा तो वो भी कोई काबिले तारीफ बात नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान है नमाज के सवाब का। तो फरीजा तो शायद अदा हो जाए, लेकिन जो सवाब में बहुत ज्यादा कमाल मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो खैर, ये है कि आयशा रजी अल्लाह ताला ना कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इल्तिफात के बारे में पूछा, यानी तवज्जो हटा लेने के बारे में। तो आपने फरमाया, हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्द। ये इख्तिलास है, यानी मतलब उचक ले जाना है, यानी शैतान जो है ये उचक ले जाता है बंदे की नमाज, यानी वो कोशिश करके उसके सवाब को खत्म कर देता है, और वही है जो पीछे लगा रहता है और इंसान की नमाज को बर्बाद करने के लिए कोशिश में और तगोदो में लगा रहता है, और प्रॉपर शैतान ने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है। तो ये तो बुखारी की हदीस है, और जामे तिर्मिजी में ये अगली जो एक टुकड़ा यहाँ पे बयान हुआ है वो ये है कि नमाज में इल्तिफात से बचो, फइन्नहु हलाकतुन। तो ये हलाकत है, हलाकत से मुराद क्या है कि सवाब में कमी है। फइन काना लाबुद्दा फफी तत्ववु, बस अगर बहुत जरूरी हो तो फिर नफल नमाज में कर। लेकिन ये जो नफल नमाज के हवाले से बात है, अक्सर मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो हुक्म फर्ज नमाज का होता है इल्तिफात के हवाले से और खुशू खुजू के हवाले से, वही फर्ज और नफर का हुक्म बराबर होता है। तो इसलिए अब ये समझना कि मतलब वो इल्तिफात जो नमाज को बातिल कर देता है वो तत्वों में जायज है, तो ऐसी बात नहीं। तो एक बात और भी इस हदीस से साबित होती है, वो ये है कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सवाल करना। अब ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना हरीस थी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कोई ना कोई सवाल पूछती थी नमाज के हवाले से, और भी बहुत से मसाइल हैं जिनके हवाले से उन्होंने रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल। तो ये हिरस थी तालीम पर, यानी इल्म हासिल करने पर जो हिरस है वो भी यहाँ इस हदीस से हमें मालूम होती है। इसके बाद जो अगली हदीस है वो अनस रजी अल्लाह तआला से, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ये थूकने के हवाले से, इज़ा कान अहदुकुम फी सलाति फइन्नहु युनाजी रब्बहु। जब तुम में से कोई एक नमाज में हो, बस बेशक वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है। युनाजी का माना ये होता है कि खुफिया अंदाज में बात करना, जिसको हम विस्परिंग कह लें, या ऐसे दबे दबे लफ्जों में बात करना। तो नमाज में अल्लाह के साथ सरगोशी होती है, असल में हम इसको फील नहीं करते ना। हकीकत यह है कि अगर इस अंदाज से हम नमाज पढ़ रहे हों तो फिर बड़ा मजा आए नमाज। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सल्ले सलातम वद्दईन, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। और इसी तरह हम साथ इस हदीस को भी मिला लें कि हम जब नमाज पढ़ रहे हों तो हम यूँ समझें कि हम अल्लाह के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे हैं,
सरगोशी के अंदाज में अल्लाह से बात कर रहे हैं तो फिर नमाज के अंदर खुशू खुशू खुजू में इजाफा हो जाता है। तो खैर फरमाया कि जब तुम में से कोई एक नमाज में हो तो बेशक वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है, फला यब सुकन ना बेना यदई ही वला यमीन ही, बस ना वो थूके अपने सामने, वला यमीन ही और ना ही अपने दाई साइड पे, वलाकिन अन शिमाली ही तहत कदमी ही, लेकिन बाई तरफ अपने पाओ के नीचे। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वफी रिवायत, एक रिवायत में तहत कदमी ही या अपने पाओ के नीचे, तो यानी शिमाली ही के लफ्ज़ माने। अभी यह है कि आदमी नमाज में है और उसको मतलब थूकना जरूरी हो गया तो फिर उसका तरीका ये बता दी, और दूसरी रिवायात में आता है कि फिर उसका कफारा ये है कि उसको दफन कर। ये तब था जब मस्जिदें कच्ची थी और वहां पे कोई इस तरह के कारपेट नहीं थे और इस तरह की सफ़े नहीं होती थी। तो आजकल इसका जो तरीका है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, वो ये है कि अपने किसी कपड़े के पल्लू में वो इस तरह से कर सकता है। तो खैर इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे जब वो हदीस आएगी। तो नमाज में सामने भी नहीं और दाईं तरफ भी नहीं, और अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर जो हदीस के मुताबिक कच्ची मस्जिद के वक्त जो बात बताई गई है वो ये है कि दाईं अपने बाईं तरफ और पाँव के नीचे, और उसका कफारा दफनुहा, उसको दफन कर देना, बाद में उसके ऊपर मट्टी डाल के उसको दफन कर देना। इसमें भी बहुत से फवायद हैं, उनमें से जो हमारे बाप से मुतालिक फ़ायदा है वो ये है कि जब इस तरह होगा तो एक तो आदमी खुद भी डिस्टर्ब होगा और दूसरा ये है कि जो साथ वाले हैं नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी भी खुशू खुजू में फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद अनस रजी अल्लाह तआला से मरवी है, काला कहते हैं काना किरामुन ले आयशा था रजी अल्लाह अन्हा सतरत बिही जानिब बैतिहा। एक पर्दा था आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जो अपने घर की एक साइड को उससे ढांपा करती थी। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमीती अन्ना किरामकी हाजा, हमसे अपने इस पर्दे को हटा दो। फ़इन्नहु ला तज़ालु तसावीरुहु तअरिज़ुली फ़ी सलाती, बस बेशक इसकी तस्वीरें मेरी नमाज में मेरे आड़े आई रहती हैं, मुझे पेश हुई रहती हैं, यानी मेरी नमाज में खुशू को मुतासिर करती हैं। बुखारी में है वत्तफ़क़ा अला हदीसिहा फ़ी क़िस्सती अम्बिजानी यति अबी जहमिन वफ़ीही फ़इन्नहा अलहतनी अन सलाती, और वो दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं बुखारी और मुस्लिम कि हज़रत आयशा की एक हदीस थी, वो किस्सा अम्बजानिया, अबू जहम की एक चादर थी अम्बजानिया, और वो अबू जहम ने गिफ्ट की थी रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उसमें नक्शो निगार थे, तो आपने वो ये कह के उसे कहा कि बदल दो क्योंकि ये फ़इन्नहा अलहतनी अन सलाती, ये मेरी नमाज में मुझे गाफिल करती। इस पर भी बात करते हैं हम इंशाल्लाह जी। तो इस हदीस में एक बात, तो ये किरामुन जो है ना, ये ऐसा पर्दा होता है जिसमें कोई नक्श निगार होते हैं, यानी ये जो ला तज़ालु तसावीरुहु का लफ्ज़ है ना, उसकी तस्वीर, तो यहाँ तस्वीर से मुराद जानदारों की तस्वीर नहीं है, क्योंकि जानदारों की तस्वीर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल लटकाने की इजाज़त नहीं देते थे, आप तो उसको फाड़ के तकिए में भरने का हुक्म देते थे। तो यहाँ पे तस्वीर से मुराद नक्शो निगार है, यानी जो उसके ऊपर मखसूस लकीरें वगैरह या इस तरह से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो किरामुन कहते हैं दरवाजे पर लटकाने वाला जो बारीक पर्दा होता है। तो सतरत बिही जानिब बैतिहा, तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उसके उससे घर की एक जानिब यानी एक साइड को ढांप लेती थी उस पर्दे के साथ। तो बैतिहा से मुराद आयशा का घर, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर कैसा था, अगर आप में से कुछ बताना चाहे क्या मटेरियल था, कितना बड़ा था। जी सर, तकरीबन 10 फुट बाय 12 फुट का एक कच्चा घर था जिसकी जमीन के ऊपर एक चटाई
टाइप चीज बिछी होती थी जिसके नीचे मट्टी थी और दीवारें भी कच्ची थी और उसमें सिर्फ जरूरत की चंद अशिया थी जैसे बिस्तर और खाने पकाने के बर्तन और उनकी चक्की वगैरह। बिल्कुल सही है। और दीवारें भी हैं वो मिट्टी से बनी हुई नहीं थी, बल्कि ये खजूर की टहनियों से बना हुआ घर था, और उसके ऊपर फिर जाहिर है मिट्टी डाल लेते हैं, तो खजूर की टहनियों से बनी हुई दीवारें और इसी तरह बनी हुई छत, और छत भी को बहुत ऊंची नहीं थी, और फिर जो दरवाजे थे वो कोई लोहे के या लकड़ी के नहीं थे, बल्कि वो स्याह टाट के पर्दे थे बालों से बने हुए। तो इस तरह के घरों में जिंदगी गुजार के गए और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छोड़ के गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये घर गिरा के मस्जिद नबवी की तौसी करने लगे तो उस वक्त बहुत लोग बहुत रोए, क्योंकि ये घर अल्लाह के रसूल की निशानी थी ना, तो उस निशानी की वजह से बहुत से लोग ये कहते थे कि ये घर मौजूद रहते और क्यामत तक आने वाले लोग इन घरों को देखते कि अल्लाह के रसूल ने कितने किस तरह के सादा घरों में रहना गुजार रह के दिखा दिया है कि दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, तो खैर बहरहाल ये पर्दा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नक्शो निगार वाला जो पर्दा है इसको हटा दो, क्योंकि मेरी नमाज में खुशू मुतासिर होता है। ला तजालु तसावीरुहु तारिज़ु ली फी सलाती, तो इससे बहुत सी बातें अखज़ होती हैं। एक बात तो ये है, सबसे बड़ी बात वो ये है कि मस्जिदों में भी जो मेहराब की तरफ बहुत ज्यादा नक्शो निगार होता है, या फिर घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आदमी नमाज पढ़ता है, घर में नवाफिल पढ़ना अफजल है, तो वहां पे सामने दीवार को नक्शो निगार से रोकना है, मतलब बचाना चाहिए, बिल्कुल सादा होनी चाहिए। इस हदीस से हमें ये समझ आती है। तो हाँ, हम तो बहुत ज्यादा इसमें हो गया ना, यानी एक से बढ़ के एक, और इस तरह की सिलेक्शन होती है टाइल्स की, और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की चीजों की। तो बहरहाल जितना सादा होंगे, जिस कदर सादगी वाली जिंदगी गुजारेंगे, अब देख लें, आयशा रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि आप घर में रोशनी कैसे करती थी, यानी आप घर में लाइट का इंतजाम कैसे करते थे, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे घर में दिया जलाने के लिए तेल होता, उस वक्त सरसों के तेल से भी दिए जलते थे, ला अकल ना हो, तो घर में फाकों का ये आलम था कि हम वो तेल खा जाते। यानी आप ये देखें कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जिंदगी है, और तो ये एक पर्दा था, अल्लाह के रसूल ने ये भी हटवा दिया कि नहीं, मेरी मेरी नमाज मुतासिर होती है। यानी हर वक्त आखरत को फोकस करना, और कोई भी फैसला हो वो आखरा ओरिएंटेड हो, हम अपनी दुनिया को देखते हैं ना ज्यादा, तो अल्लाह के रसूल से अब ये दुनिया खत्म हो गई, उनकी भी खत्म हो गई, आपकी और मेरी भी खत्म हो जानी, लेकिन वो सादगी वाली जिंदगी और वो नमाज में खुशू जो शरीयत को मतलूब है वो हासिल हो जाए तो क्या ही बात, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे। तो खैर किस्सा अंबजानिया भी जो हम जो है ये मैंने बता दिया कि अंबजानिया जो चादर है ना, ये कहते हैं थोड़ी मोटी चादर को, ठीक है, तो उसमें भी नक्शो निगार थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फइन्नहा अलहतनी अन सलाती, ये मुझे मेरी नमाज से गाफिल कर देते, अलहत गाफिल कर देते, सुभान अल्लाह। इसके बाद जाबर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, जैसे पीछे इशारा किया था मैंने कि आसमान की तरफ देखना, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयन्तहियन अक्वामुन यरफाउन अबसारहुम इला समा, जरूर बाज आ जाएं वो लोग, यरफाउन अबसारहुम, जो अपनी नजरों को उठाते हैं, इला समा या आसमान की तरफ, इस्सलाती नमाज में, औला तरजिया इलैहि, या ये ना हो कि वो उनकी तरफ वापसी ना पलटे। यानी आप यहाँ पे वईद है, और ये वईद छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, यानी उनकी निगाह उचक ली जाए और वो लौट कर उनकी तरफ आए ही ना, तो नमाज में ऊपर आसमान की तरफ देखना। बाज लोग ये समझते हैं कि जी चूंकि आसमान में अल्लाह है और हम नमाज में खुशू
और खुजू के लिए और अल्लाह को मुखातिब करने के लिए आसमान की तरफ नजर उठा के देखें और इस तरह नमाज पढ़े, तो वही अल्लाह जो आसमानों में है उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें जो तरीका बता दिया है उस तरीके को फॉलो करना जरूरी है। तो जैसे नमाज में कोई शख्स ये कहे कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ये खुशू के का बायस बनता है, तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आपने मना किया हुआ है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हर वो चीज़ देखिए ना जो अल्लाह के रसूल से साबित होगी, इबादात में जितने भी तरीके हैं वो जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मोहर नहीं लगाएंगे तो हम खुद साख्ता तरीके नहीं बना सकते। अब यहाँ पे जो कोई शख्स कहे जी कि आसमान की तरफ देखने से अल्लाह के साथ ताल्लुक ज्यादा जुड़ता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि लोगों को जरूर बाज आ जाना चाहिए कि वो अपनी नजरों को आसमान की तरफ नमाज में उठाते हैं। औला तरजा इलैहिम, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी निगाह लौट कर उनकी तरफ आए ही ना। अब ये कितनी सख्त वईद है, तो गोया कि जिस पर वईद होती है ना वो कबीरा गुनाह होता है। और फिर नमाज फर्ज कैसे अदा होगा, और इसी तरह से फिर नमाज का जो अजर व सवाब है वो कैसे हासिल हो सकता है जब सरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की जाएगी। वलहू ए वली मुस्लिम, यानी सही मुस्लिम में ही है, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कालत समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना कहती हैं कि मैंने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकूल वो कह रहे थे, ला सलात बि हज़रती तआमिन, जब खाना हाजिर हो तो नमाज नहीं होती, वला हुवा युदाफिहुल अखबसान, और ना तब नमाज होती है जब दो खबीस चीजें उस को वो रोक रहा हो या दूर कर रहा हो। युदाफ़ेहू का माना है दफा करना, रोकना, अल अखबसान इससे मुराद बोलो बराज है। तो यहाँ पे इस हदीस में आप दोबारा इसको तर्जमा मैं कर देता हूँ कि ला सलात बि हज़रति तआमिन, खाना पेश हो जाने के वक्त कोई नमाज नहीं, वला हुवा युदाफिहुल अखबसान, और ना उस वक्त नमाज है जब बोलो बराज को कोई शख्स दबा रहा हो, दूर कर रहा हो। अब ये देखें चूंकि बाब है खुशू फिसला, नमाज में खुशू व खुजू का, तो जिस तरह पीछे आया कि इज़ा कुद्दिम अलाशाओ, कि जब खाना शाम का खाना हाजिर हो जाए तो फिर पहले नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि खाने से इब्तिदा करेगा, तो यहाँ भी पहली पहला जुमला तो वही है, उसी की वजाहत है कि खाना मौजूद हो तो फिर नमाज ना पढ़े। हाँ एक है खाना तैयार हो रहा है और उसमें टाइम लगना है तो आदमी नमाज पढ़ सकता है, लेकिन एक ही है कि खाना तैयार हो चुका है, ट्रे में सजाया जा चुका है, सामने भी आ गया है, उस वक्त कोई शख्स ये कहे कि मैं ये छोड़ के नमाज पढ़ूंगा तो ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि जैसे रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि पहले खाना खा ले वो, और खाना खाने के बाद फिर वो नमाज पढ़े और तसल्ली से नमाज पढ़े ताकि नमाज में उसका ध्यान कहीं और ना जाए। दूसरा ये है कि बोलो बराज में से उसको कोई हाजत हो तो वो कहे जी कि नहीं, जमात जा रही है, मैं तो साथ मिलना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा और उसकी तवज्जो पूरी इसी तरफ होगी तो फिर उसका नमाज का फरीजा अदा भी नहीं होगा, सवाब मिलना तो दूर की बात है। और अगर बिलफर्ज वो कोशिश करके कर ही लेता है, थोड़ा कंट्रोल कर रहा है और तवज्जो इधर भी करना चाह रहा है उधर भी करना चाह रहा है, तो बिलफर्ज उसका फरीजा भी अदा हो भी जाए। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो ला सलात और वला हुवा युदाफिल अखबसानी ये उसलूब ये बता रहा है कि वो नमाज काउंट ही नहीं होगी, लेकिन बिलफर्ज फिर सवाब कम हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चला जाए, और वो तालीम क्या है कि पहले हवाइज उससे फरागत हासिल कर ली जाए। और सुबहान अल्लाह शरीयत इस्लामिया जो है इतना इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि इंसान की हवाइज को मलहूज़े खातिर रखती है। इंसान की हाजत है कि वो जब खाना उसके सामने होता है तो उसका दिल चाह रहा, भूख भी लगी हो, उसका दिल चाह रहा होता है कि पहले खाना खाए, तो आप शरीयत ने कहा नमाज को मुअख्खर कर दे, खाना पहले खा ले।
इसी तरह जब उसको कोई हाजत असलिया में से कोई हाजत है, बौलो बराज वगैरह वॉशरूम जाना है उसने, तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि पहले नमाज ज्वाइन करो क्योंकि नमाज ख़त्म हो रही है तो फिर बाद में वॉशरूम जाना, नहीं, बल्कि पहले वो बिल्कुल इजी फील करें और अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो फिर इस तरीके के मुताबिक चलने से ही यानी सवाब मिलेगा और फरीजा अदा होगा, ना कि वो अपने तौर पे जो कोई ज्यादा ही बनता फिरे। तो खैर ये भी यहाँ पे खुशो खुजू के हवाले से बात है। इसके बाद जमाई के हवाले से कुछ बात है, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। फिर मेरा ख्याल है 8 बजे दोबारा क्लास होगी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तसाउबु मिनश्शैतान, जमाई शैतान की तरफ से, फैजा तसाअब अहदुकुम, बस जब तुम में से किसी एक को जमाई आए, फलयकज़िम मस्तता, तो उसे चाहिए कि जितना हो सके उसको दबाए, उसको रोके। रवाह मुस्लिम व तिरमिजी व ज़ादा फिस सला, नमाज में। तो ये मुस्लिम तक ये अल्फाज है मुस्तता, और जामे तिरमिजी में फिस सलाती का इजाफा भी है कि नमाज में उसको रोके, यानी फैजा तसाहबुकुम फलयकज़िम मुस्तता फिस सला, कि जमाई शैतान की तरफ से है, पस तुम में से जिसको जमाई आए तो उसको चाहिए कि जितनी ताकत हो उसको रोके। और जामे तिरमिजी में नमाज के लफ्ज भी। अब यहाँ पे जमाई मारूफ है, शैतान की तरफ से होती है और ये सुस्ती और काहली की वजह से होती है, और इसमें इंसान का मुंह खुल जाता है तो जो जिसको देख के शैतान खुश हो रहा होता है। तो शरीयत इस्लामिया हमें गाइड करती है कि उसको रोकना चाहिए, नमाज में भी, नमाज के अलावा भी, यानी सलात में भी और गैर सला, दोनों तरफ तरह उसको रोकना चाहिए। और फिर आगे मस्तता, जितनी इंसान में ताकत है उस पर हाथ रखा जा सकता है, मुंह को बंद बंद करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जो मतलब जमाई के दौरान जो एक हैयत बनती है वो कोई काबिल तारीफ नहीं होती, कोई उसमें अजीब सी वो इंसान की शक्ल बन रही होती है, तो उसको रोकना चाहिए। ये नहीं है कि उसको उसको उसकी पैरवी करनी चाहिए और शैतान को खुशी का मौका देना चाहिए। तो ये भी नमाज में भी आदमी ये चूंकि मैंने कहा अगर मेडिकली भी देखें तो ये जमाई जो होती है शैतान चूंकि इंसान को गाफिल करने में लगा हुआ है और वो सुस्ती और काहली से दो चार करते, इसीलिए रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहली से पनाह मांगी है और सुस्ती से पनाह मांगी है। तो नमाज में जमाई का मतलब ये है कि इंसान सुस्ती का शिकार हो गया, गफलत की तरफ चला गया, तो जितनी वो कोशिश करे उसको रोकने की वो रोक लेगा तो शैतान दफा हो जाएगा और इंसान जो है उसकी तवज्जो नमाज में पूरी पूरी रहेगी। तो खैर यहाँ तक हमारा जो बाब है नमाज में खुशू के हवाले से वो बाब यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। बाबुल मसाजिद, अब ये किताबुस सलाह है और उसके अंदर बाबुल मसाजिद है। पीछे हमने नमाज में खुशू के हवाले से बाब पढ़ा है। एक तो अल मसाजिद को हम देखते हैं ये क्या माना है इसका, और दूसरा फिर बाब से यानी किताब से मुताबकत क्या है, मुवाफकत क्या है। तो अल मसाजिद जो है ये मस्जिद उनकी जमा है, और दो चीज़ें मुराद हो सकती हैं इससे। एक तो लफ्जी तौर पर इसका माना होता है सजदा करने की जगह, और उसकी दो किस्में हैं। फिर एक किस्म ये है कि जैसे मखसूस जगह जैसे हमारे मोहल्लों में बिलाद इस्लामिया में मसाजिद बनी है, या दूसरा ये है कि पूरी ज़मीन ही मस्जिद है, कहीं भी सजदा किया जा सकता है, कहीं भी सजदा किया जा सकता है। तो जैसे हदीस में आता है ना, हमने पढ़ी है पीछे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये खासा है कि सारी की सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो
चूंकि ये किताबुस्सलात में इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह लेके आए हैं, तो इससे मुराद वही मसाजिद हैं जो बाकायदा तौर पर मिंबर व मेहराब के साथ किबला की डायरेक्शन में तामीर की गई हैं, क्योंकि नमाज के साथ गहरा ताल्लुक है। मर्दों पर मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा करना ये जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे मसाजिद के हवाले से जो मसाइल थे वो भी इमाम मौसूफ ने बताना मुनासिब समझे। तो उसमें पहली जो हदीस है वो है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, कालत अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिना इल मसाजिद फि दूरी व अन तुनज्जफा व तुतय्यब। अच्छा, इस हदीस को इंशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक हदीस और सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अहब्बल बिलाद इलल्लाही मसाजिदुहा व अबगज़ल बलाद इलल्लाही अस्वाकुहा ओ कमा कहा, कि अल्लाह के यहाँ शहरों में से, जगहों में से सबसे बेहतरीन, जो महबूब तरीन पसंदीदा जगह हैं वो उसकी मस्जिदें हैं, यानी जहाँ जहाँ मस्जिद तामीर हुई है, मस्जिद बनी हुई है, तो वो अल्लाह को पसंद, अल्लाह की पसंदीदा वो कतई अर्ज है। और जो अल्लाह को ना पसंदीदा जगह है वो अस्वाकुहा यानी बाजार, तो बाजार में जरूरत के तहत जाने की इजाजत तो है, लेकिन चूंकि वहां पे इख्तलात होता है, मर्द और जन का इख्तलात होता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली काफी ज्यादा चीजें होती हैं, तो इसलिए मस्जिद के पैरेलल इसको अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को मस्जिदें, और सबसे मबगूज चीजें जो ना पसंदीदा है वो बाजार। तो मस्जिद का जो तसव्वुर है इसको इंशाल्लाह ताला हम अभी स्टडी करते हैं कि एक है जो हमारे मुआशरे में मस्जिद की हैसियत है कि सिर्फ नमाज के लिए खोली जाती है और बंद कर दी जाती है, और एक थी मदीना मुनव्वरा की मस्जिद, रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी, जिससे हमें मस्जिद का एक पूरा मॉडल पता चलता है कि वो मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर भी होता था, वहाँ पे मुजाहिदीन जिहादी ट्रेनिंग भी करते थे, वहाँ पे जख्मियों के लिए खेमे भी लगाए जाते थे, वहाँ पे किसी के रात रहने की का भी इंतज़ाम किया जा सकता था, और वहाँ पे बैठ के फैसले भी होते थे, और वहाँ से फिर वज़ाइफ जारी किए जाते थे, लोगों के मसाइल सुने जाते थे। तो वो जो एक मॉडल था जो शरीयत ने हमें दिया था वो आजकल मफकूद है, आजकल नहीं मिलता हमें वो मॉडल, यानी बहुत तलाश के, बसियार तलाश के बावजूद भी हमें इस तरह की मसाजिद आजकल नहीं मिलती। सिर्फ मस्जिद 10 मिनट पहले नमाज से खुलती है और उसके बाद फिर बंद हो जाती है, कोई आदमी किसी टाइम अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहे तो उसको मस्जिद खुली हुई नहीं मिलती। और आप जरा ये देखें कि जिस तरह एक मरीज है और वो किसी वक्त भी बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, तो आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना हो, दरवाजा बंद हो, तो बेचारा क्या करेगा। इसी तरह कोई शख्स रूहानी तौर पे बीमार हो गया, यानी कोई गुनाह कर बैठा है, अल्लाह की मासीयत करने के बाद उसको एहसास हो गया, इदराक हो गया कि भाई मुझे तौबा करनी चाहिए, और वो समझते हैं कि अल्लाह के घर में जाना चाहिए और जो मेरी नमाज रहती है वो पढ़नी चाहिए और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, तो आगे जाके उसको मस्जिद में भी ताला ताला मिलेगा, और अगर बिलफर्ज खुली मिली भी तो अंदर कोई नहीं होगा, यानी जो उसको गाइड करे, जो सही तौर पर शरीयत इस्लामिया की रोशनी में उसकी रहनुमाई करे। तो खैर, ये बड़ा फुकदान है आजकल। तो खैर, हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं मसाजिद के हवाले से जो मसाइल हैं, और अल्लाह ताला तौफीक दे तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के मॉडल को फॉलो करें और अपने अपने मुआशरों में इस तरह की मसाजिद अल्लाह हमसे काम ले ले। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिना इल मसाजिद फि दूर, के रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मसाजिद की तामीर का। फि दूर, ये दूर को लफ्जी लफ्जी तर्जमा है घर, लेकिन इससे मुराद महल्लों में मसाजिद बनाने का, यानी घरों घरों के अंदर मस्जिद भी होनी चाहिए, घरों से मुराद ये है महल्ला,
एक सोसाइटी जैसे होती है, तो वहां पे मस्जिद भी होनी चाहिए। वन तुनजफा व तुतैबा, और ये कि उसको पाकीजा रखा जाए, यानी साफ सुथरा रखा जाए, उसकी सफाई का इंतजाम हो। वह तो तैयब, और उसको खुशबूदार यानी मुअत्तर रखा जाए। है तो रवाहु अहमद बाबू दाऊद व तिरमिजी व सहाइब सालहु, अहमद अबू दाऊद तिरमिजी ने ये रिवायत की है, और जो जामे इमाम तिरमिजी है उन्होंने इसका मुरसिल होना सही कहा है। तो खैर, मुरसिल कौले सहाबी जो है वो जब इस तरह से हो कि अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत हो जाए, तो फिर ये मरफू के हुक्म में होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पे जो हुक्म है ये इस्तेहबाब के लिए है, ये वजूब के लिए नहीं है, क्योंकि मसाजिद की तामीर ये फर्ज ऐन नहीं है बल्कि फर्ज किफाया है। तो अगर कुछ लोग मस्जिद की तामीर कर लेते हैं, तामीर के बाद बाकी लोगों से ये किफायत कर जाएगा, यानी हर बंदे को मस्जिद बनाने का हुक्म नहीं है, ये फर्ज किफाया वाला मामला है। खैर, मस्जिद बनाना बहुत बहुत ही फजीलत वाला अमल है। और फिर उसके बाद फरमाया कि उसको साफ सुथरा भी रखना है, वह तो तैयब, और उसको मुअत्तर भी करना है। तो जिस तरह हम अपने घरों का ख्याल रखते हैं, वहाँ पे सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं और खुशबू वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं, तो अल्लाह के घर जो मसाजिद हैं वो ज़्यादा इस लायक हैं कि उनको भी इस तरह से पाकीज़ा रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीम इबादत के लिए लोग आते हैं, और वहाँ पे खुशबू वगैरह का भी एहतमाम होना चाहिए। इसके बाद अगली जो हदीस है वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातलल्लाहु लियहूदा व इत्तखजु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, है कि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला यहूदियों को कत्ल करे, हलाक करे, तबाह करे, इत्तखजु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा गाह बना लिया। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, वजादा मुस्लिम, और इमाम मुस्लिम ने इजाफा किया है, वन्नसारा कातलल्लाहु यहूदा वन्नसारा, अल्लाह ताला यहूदियों को और ईसाइयों को हलाक करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद यानी सजदा गाह बना ली। अब यहाँ पे ये बात साबित होती है कि मस्जिदों को अलहदा होना चाहिए और कब्रों को अलहदा होना चाहिए, कब्र के ऊपर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। और यहूद नसारा वैसे ही मलऊन है, मरदूद है, और यहाँ भी इससे मुराद अहलका यानी अल्लाह ताला उनको हलाक करे। तो ये बददुआ है, बददुआ इसलिए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया, बल्कि आपने दुआ की कि अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत ना बनाने बनने देना जिस जिसकी इबादत की जाती हो। तो एक बात तो यहाँ पे ये इस बात साबित हो गई कि मस्जिद के अंदर कब्र का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में, और कब्र के ऊपर मस्जिद बनाने का तसव्वुर भी इस्लाम में नहीं है, जैसे लोगों ने किया होता है। बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के अंदर दफन होना पसंद करते हैं, और अपने मुत्तबईन को कह के जाते हैं कि मैं जब मर जाऊं तो मस्जिद के अंदर मुझे दफन कर देना। तो बल्कि इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम रहिमहुमुल्लाह वगैरह, उनसे ये मरवी है, उनमें से बाज ने कहा है कि आप देखें, अगर तो पहले मस्जिद थी बाद में उसमें कब्र बनाई गई है, तो कब्र को वहां से उखाड़ें, कहीं और शिफ्ट करें, और अगर कब्र पहले थी और मस्जिद बाद में बनी है तो फिर मस्जिद को वहां से हटाएं। तो ये बहुत जरूरी है। आगे इसी इसी के माना से मुतालिक एक हदीस है, वो ये है कि ये मैं अभी खोलता हूँ। ये काफी तफसीलात इन्होंने शेख मोहम्मद बिन सालिर से मैंने लिखी है। तो ये वाला हुमा मिन हदीस आयशा था, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, ये बुखारी मुस्लिम में, कानू इजामात फीहिम अर्रजुलु सालिहु, कि जब उनमें कोई नेक आदमी फौत हो जाता, बनाउ अला कब्री ही मस्जिदा, तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते। वफी ही, और इसी में है, उलाइका शिरारुल खल्क, ये मखलूक में से सबसे बुरे लोग हैं।
यानी आप ये देखें कि ये पहले लोगों का यानी यहूदो नसारा की बात हुई है ना, उन्हीं पर अल्लाह के रसूल ने हलाकत की बद्दुआ की है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि जब उनमें से कोई नेक आदमी फौत होता तो उसकी कब्र पर आज हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड है, यानी यहाँ पे कोई अगर नेक शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते हैं या फिर मस्जिद में उसको दफन कर देते हैं। तो आप देखें कि उसमें है उलाइका शिरारुल खल्क, ये मखलूक में से सबसे बुरे लोग हैं, अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक है। तो आप जरा ये देखें कि कितना यानी शिरक को दावत देने वाली बात है। नमाज में सजदा होता है और जब कब्र सामने होगी तो फिर कब्र को सजदा हो जाएगा। तो शिरक का यानी नियत ना भी हो तो सद्दे जरिया के तौर पर शरीयत इतना भी गवारा नहीं करती कि देखने में यूं लग रहा हो। तो यानी शिरक से जितना भी बचा जा सकता है तो उसे बचना बचने की जरूरत है। तो कब्रों पर मसाजिद तमीर करना हराम है क्योंकि यहाँ पे बदतरीन लोग कहा गया, और यहूद नसारा के फेल से मुशाबत भी है और उनके फेल के खिलाफ चलना भी ऐन शरीयत है। तो इसी तरह अगर जैसे मैंने पहले कहा कि कब्र पर बनी हुई मस्जिद को ढाना वाजिब होगा फिर, ठीक है, तो उसमें फिर तर्तीब यूं होगी कि अगर कब्र पहले बनी हुई थी मस्जिद बाद में बनाई गई है तो मस्जिद को वहां से शिफ्ट करें, और अगर मस्जिद पहले थी कब्र बाद में बनी है तो फिर कब्र को शिफ्ट करना होगा। वह नबी हुरैरा तो रजी अल्लाह तआला अन्हु قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث। अब ये मसला है कि मस्जिद के अंदर कोई काफिर दाखिल हो सकता है या नहीं। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन बासा भेजा नबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैलन, खैलन ये असल में ये इसम जमा है घुड़सवारों की जमात, ठीक है, यानी शाह सवारों का एक दस्ता वो अल्लाह के रसूल ने भेजा। फजाअत बिराजुलिन, बस वो एक आदमी को ले आए, फरबतूहू बस आपने उसको बांध दिया, बिसारियति मिन सवारिल मस्जिद, मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून के साथ। तो ये अल हदीस मुकम्मल हदीस, ये मुकम्मल हदीस ये है कि ये वाकया सुमामा बिन असाल के हवाले से है। ये सुमामा जो थे ये पहले भी इनका वाकया गुजरा है, ये अपने कबीले के सरदार थे। तो रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार थे सहाबा किराम घुड़सवार दस्ता, उन्होंने उसको पकड़ पकड़ लिया, पकड़ के ला के मस्जिद में बांध दिया और फिर 3 दिन तक वहाँ वो रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत होती रही। तो ये हदीस है, उसके बाद फिर वो आपने छोड़ दिया और फिर वो आए और गुसल करके वापस पहुंचे और फिर इस्लाम कबूल कर लिया, ये सारी तफसीलात है। लेकिन यहाँ पे जो इस्तदलाल है वो इस्तदलाल ये है कि आपने उसको मस्जिद में बांधा जब वो काफिर था उस वक्त, बाद में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए और इतने जानिसार हुए, फरमाया कि मेरी इजाजत के बगैर अल्लाह के रसूल जब तक आप नहीं हुक्म देंगे ये बिजनेस नहीं कर सकते। यानी बहुत बड़े ताजिर थे वो भी और काफिले गुजरते थे वहां से। तो खैर ये तफसीलन वाकया है। तो यहाँ पे यह है कि मस्जिद में काफिर का बांधना जायज़ है, यानी कैदी को महज एहसान करके छोड़ दिया जाए, और इसी तरह मस्जिद में दाखिल होना काफिर का उसमें मस्जिद में बांधना ये सब ये जायज़ है। अच्छा इस हवाले से थोड़ी सी तफसील भी है, तफसील ये है कि काफिर यहाँ पे जो बांधा है ना उसको ये ज़रूरत के लिए बांधा है, एक तो उस पर नज़र रहेगी और मुमकिन है कि उस वक्त कोई कैद खाना भी नहीं था मुसलमानों के पास प्रॉपर, जैसे जेल होती है जिसमें कैदी रखे जाएं और फिर पूरा एक सिक्योरिटी का सिस्टम हो, तो जरूरत के तहत ये बांधा है। अब ये नहीं है कि जैसे हमारी मस्जिद में, जैसे ये बादशाही मस्जिद है और इस तरह से वहां पे काफिर सिर्फ आ जाते हैं कैप्चरिंग करने के लिए, मूवीज बनाने के लिए, और एक बस सिर्फ पब्लिक प्लेस के तौर पर, तो इस तरह इजाजत नहीं दी जा सकती। इजाजत जो है वो मशरूत है, मशरूत का माना ये है कि मुतलक इजाजत नहीं है, अगर कोई काफिर आना चाहता है मस्जिद में तो उसकी जरूरत देखी जाएगी, हाँ इस्लाम कबूल करने के लिए आया है।
या फिर कोई काफला है, कोई नुमाइंदा है मुज़ाकरात के लिए आया है, या फिर जिस तरह इस रिवायत में है कि सुमामा बिन उसाल को पकड़ के लाए तो बांधने के लिए जगह नहीं थी तो मस्जिद में बांध दिया, तो इस तरह की के हालात वाकयात को देखने के बाद फैसला होगा। तो ये जो मुसव्वरी के लिए या फिर मस्जिद की तनकीस के लिए, यानी बाज़ लोग इसी नीयत से अगर कोई काफिर आए कि हम मस्जिद में जाके तो फिर कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढें और फिर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई, तो इस तरह तो नहीं इजाजत दी जा सकती। तो खैर ये वअन्हु रजी अल्लाह अन्हु, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ही से मरवी है, अन्ना उमर रजी अल्लाह अन्हु मर्रा बिहसाना यनशुदु फिल मस्जिद। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हसान बिन साबित के पास से गुजरे, वो मस्जिद में नशीद पढ़ रहे थे, यनशुदु फिल मस्जिद, मस्जिद में नज़म पढ़ रहे थे, शेर पढ़ रहे थे। फलाहज़ा इलैही, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें घूर कर देखा। लाहज़ा का होता है कन अखियों से देखना, यानी आंखों की साइडों से देखना, जैसे आदमी थोड़ा नाराजगी का और नागवारी का इजहार कर रहा होता है। तो अब जरा देखें कि हसान बिन साबित मस्जिद में बैठ के शेर पढ़ रहे हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास से गुजरे हैं और उन अशार पर नागवारी का इजहार किया है कि ये मस्जिद में शेर और शायरी हो रही है। फकाल, बस हसान बिन साबित ने कहा, कद कुंतु अनशुदु फी, यकीनन मैं इसमें यानी इस मस्जिद में नशीद पढ़ा करता था, नज़म पढ़ा करता था, शेर पढ़ा करता था। वफी ही मन हुआ खैर मिनका, और इसमें वो मौजूद होते थे जो आपसे बेहतर थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप मुझे इस तरह घूर के देख रहे हो, मैं तब भी शेर पढ़ा करता था जब अल्लाह के रसूल यहाँ मौजूद, यानी मुझे इस शेर पढ़ने की इजाज़त जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो इस हदीस से भी बहुत से फवाद मिलते हैं कि एक तो ये है कि कोई नात जो शिरकिया ना हो, या हमद बारी ताला हो, या फिर कोई ऐसा नशीद या तराना जो मुसलमानों के शायर के हवाले से हो, तो वो मस्जिद में पढ़ा जा सकता है। एक तो असल ये बाब से मुताबकत ये है। दूसरा ये है कि जब ये मस्जिद में पढ़ा जा सकता है तो वैसे भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, लेकिन औला अफजल बात यह है कि कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए और वही सुनना चाहिए, लेकिन नशीद सुनने में सुनाने में कोई हर्ज नहीं है, हर्ज वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखें कि इससे और अगर कुछ मसाइल हम अखज करना चाहें तो हसान बिन साबत रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो जवाब है कितना खूबसूरत है कि कद कुन तो अनशुदु फी, यकीनन मैं इस मस्जिद में नशीद पढ़ा करता था, वफी ही मन हुआ खैर मिनका, और इसमें वो जात मौजूद थी जो आपसे बेहतर है। तो मसला वाज हो गया। यानी हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस जुमले ने ये बात साबित कर दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मस्जिद में शेर पढ़ने की इजाजत है। अच्छा, इसमें बाज शेर वो होते हैं जो इश्किया होते हैं या इंसानी जज्बात को बरंगेख्ता करते हैं और गुनाह की तरफ माइल करने वाले होते हैं, तो उनकी बाहर सूरत किसी तरह से भी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद मस्जिद में गुमशुदा चीज के ऐलान के हवाले से बात है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इसे मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामिअ रजुलन यनशुदु ज़ालतन फिल मस्जिद फलियकुल। मन सामिअ रजुलन, जो कोई सुने किसी शख्स को, यनशुदु ऐलान कर रहा हो ज़ालतन गुमशुदा चीज के बारे में, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फलियकुल बस चाहिए कि वो कहे, ला रद्दा अल्लाहु अलैक, अल्लाह ताला वो चीज तुझे ना लौटाए, फइन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाजा, बेशक मसाजिद इन बातों के लिए नहीं बनाई जाती। मन सामिअ रजुलन, जो कोई शख्स किसी बंदे को सुने, यन शुदू वो ऐलान कर रहा हो जालतन गुमशुदा चीज का, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फलियकुल बस चाहिए कि वो कहे, ला रद्दा अल्लाहु अलैक, अल्लाह ताला वो चीज तुझे ना लुटाए,
فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، بے شک مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ مساجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا کہہ دیا، تو جب بد دعا کہہ دی جائے، یہاں بد دعا کرنا مباح قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بد دعا عدوان پر ہوتی ہے، یعنی جائز کام پر نہیں ہوتی، ناجائز اور حرام کام پر ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں جو اعلان کرنے کے حوالے سے بات ہے، اگر تو وہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ملی آپ کو، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز یہاں موجود ہے، کسی کی ہے تو لے لیں، لیکن یہ اعلان کرنا کہ یعنی یہ حدیث کا جو عموم بتا رہا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ کسی کو گم شدہ چیز کا اعلان کرنا کہ میری یہ چیز گم ہو گئی ہے، اس انداز میں جانے کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح گمشدہ چیز کو مسجد میں لٹکا دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کی ہے وہ اس کو لے جائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھ لیں کہ مساجد کی تعمیر اور غرض یہ ہے کہ اس لیے نہیں مسجدیں بنائی جاتی کہ یہاں پہ، اب ہم نے بعض علاقوں میں دیکھا کہ مسجد کے سپیکر سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جناب کوئی کپڑا بیچنے والا آیا ہوگا تو وہ لے لیں، فلاں جگہ پہ ہے، تو یہ پھر ایک مذاق بن جائے گا۔ مسجد کے سپیکروں سے جو اذان کی آواز گونجتی ہے، یہ امتیاز ہے، پھر یہ امتیاز ختم ہو جائے گا، پھر اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ رتب و یابس شامل ہو جائے گا، تو اہمیت ختم ہو جائے گی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ عالم، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تو پھر وہ ممنوع ہے۔ اچھا، اسی طرح وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، جس طرح مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان کی ممانعت ہے، اسی طرح مسجد میں بیع و شرع یعنی خرید و فروخت کی بھی ممانعت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو، من اس شخص کو جو یبیو کچھ بیچ رہا ہو، او یبتاو یا کچھ خرید رہا، یعنی کچھ بیچ رہا یا خرید رہا، بیع اور شرح کر، فی المسجد مسجد میں، فقولو پس کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ ڈالے۔ جب تم اسے دیکھو جو مسجد میں کچھ بیچ رہا ہے یا کچھ خرید رہا ہے، تو اسے یہ کہو اللہ تیری اس خرید و فروخت میں نفع نہ دے، تیری تجارت میں، تجارت چونکہ دو چیزوں کا نام ہے، خرید و فروخت کا، تو یہاں تجارت کے لفظ بول کے خرید و فروخت مراد ہے، تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تجارت میں، خرید و فروخت میں برکت نہ ڈالے۔ رواہ نسائی و ترمزی و حسنہ، امام نسائی نے اور ترمزی نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ترمزی نے اس کو حسن قرار دی۔ تو اب یہاں پہ بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد میں خرید و فروخت ممنوع ہے، کیونکہ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ بد دعا کا حکم دیا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت ہی نہ ڈالے۔ اصل میں تجارت کے اندر جو نفع ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان سمجھے، تو وہ نفع اللہ کی طرف سے برکت کا حصول ہے۔ اگر برکت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر ظاہری طور پر جتنی بھی کیلکولیشنز کر لے آدمی، جتنا مرضی مال اکٹھا ہو جائے، ظاہری طور پر اس کا بینک بیلنس بھی بہت زیادہ انکریز ہو جائے، تو لیکن جب تک اس میں برکت نہیں ہے، تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو تجارت کرنے والے سچ بولتے ہیں، ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے تجارت میں برکت آ جاتی ہے، اور وان کذبا وکتما محکت برکات بیعہما، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور چیزوں کو چھپاتے ہیں، وضاحت نہیں کرتے، تو ان کی تجارت کی برکت ختم ہو جاتی۔ تو برکت ختم ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو بہت بڑی آمدنی ہوئی ہے، لیکن وہ کسی بیماری میں چلی گئی، کسی حادثے کی نظر ہو گئی، یا اور نہ صحیح تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اولاد پھر نافرمان ہو گئی، اور وہ اولاد جو صدقہ جاریہ بننا تھی، اس سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، اور
फिर मरने के बाद दुआ का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है, तो ये सारी चीजें बेबरकती में आती। तो अब यहाँ पे मस्जिद में जो इस तरह का काम करेगा, जबकि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है, तो फिर उसको ये कहना होगा ला अरबह अल्लाह तिजारतक, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत ना डाले, खत्म कर दे। मस्जिद में जो हुदूद वगैरह कायम करने के हवाले से कुछ बातें हैं, और फिर इसी तरह से जैसे मैंने कहा था ना कि मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होता है, तो मस्जिद में जख्मी के लिए खैमा लगाना, और इसी तरह से मस्जिद में जो जिहादी ट्रेनिंग्स होती हैं उसके हवाले से ये तीन रिवायात हैं, ये इसको अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं। हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह अनु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुकामुल हुदूद फिल मसाजिद, मस्जिदों में हुदूद कायम नहीं की जाएंगी, वला युस्तकादु फीहा, और ना ही उसमें किसास लिया जाएगा, यानी मसाजिद में ना तो हुदूद कायम की जाएंगी और ना ही किसास लिया जाएगा। वैसे तो ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, क्योंकि इसकी सनद में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक रावी हैं, जिनके बारे में वो हातिम वगैरह कहते हैं कि उसकी रिवायत ले ली जाए लेकिन इस्तदलाल ना किया जाए। तो खैर एक और रावी भी है जो मजहूलुल हाल है, लेकिन इसका माना ठीक है। माना इस तरह से ठीक है कि चूंकि शुरू में जो रिवायत आई है नजाफत के हवाले से, मस्जिद मस्जिद को नजीफ रखना, तो जब हुदूद मस्जिद में कायम की जाएंगी तो फिर वो नजाफत डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी वो हुक्म खत्म हो जाएगा। और किसास वगैरह, जाहिर है किसास में अब देखे ना, कत्ल का बदला कत्ल है, सर कलम किया जाता है, तो इन सारी चीजों में फिर ये होता है कि मस्जिद में खून खराबा और इस तरह की चीजें, तो मानन ये रिवायत ठीक है, सनदन ज़ईफ़ है। तो ला तुकामुल हुदूद फिल मसाजिद, मस्जिद में हुदूद कायम नहीं की जाएंगी, वला युस्तकादु फीहा, और ना ही उसमें किसास लिया जाएगा। तो ये जैसे जिना की हद, अब देखे ना रजम करना, अब मस्जिद में अगर रजम करेंगे तो पत्थर मारेंगे और जमीन में गाड़ेंगे और बहुत ज्यादा पत्थर ला के मारे जाएंगे, तो ये अब यानी ये खुद खुद से ही पता चल रहा है कि ये मस्जिद में ऐसा काम मुनासिब नहीं है। और इसी तरह से चोरी की हद है, ठीक है, तोहमत की हद है, और डाका जनी रॉबरी की हद है, तो ये मस्जिद से बाहर ही होनी चाहिए। आयशा रजी अल्लाह तआला ना कहती हैं उसी बसादुन योम अल खंदक, साद रजी अल्लाह तआला अन्हो खंदक के दिन यानी गजवा अहज़ाब के दिन आप जख्मी हो गए, फजारब अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमतन फिल मस्जिद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद में खैमा लगा दिया, लियऊदहु मिन करीबिन, ताकि आप उनकी करीब से ही इयादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, आप जरा देखें इसमें एक तो वो तसव्वुर जो मैंने पहले यहाँ आपके साथ डिस्कस किया कि मस्जिद का तसव्वुर बहुत वसी है, एक एक ये बात। दूसरा ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजों की इयादत कितना इसमें अजर है, अहादीस हैं, बहुत ज्यादा अहादीस हैं, बंदा जब इयादत के लिए जाता है तो ऐसे ही है जैसे वो जन्नत के बागीचों की सैर कर रहा होता है और फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो आपने आपको इयादत का इतना शौक था कि आपने मस्जिद में ही उनको स्टे करवा दिया कि आप यहाँ रुकें और मैं करीब से इयादत कर सकूँ। तो इस हदीस से भी कई बातें साबित होती हैं, एक तो यह है कि जख्मी के लिए मस्जिद में रहने का इंतजाम किया जा सकता है, तो यही इसी बात पर कयास कर लें। और आगे भी एक दो रिवायात आएंगी कि एक मतलब एक लौंडी, एक बांदी भी मस्जिद में रहती थी, उसका भी सियाफाम, वो भी इंशाल्लाह अभी देखते हैं हम। तो खैर मस्जिद में रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जा सकता है, उसमें हरज वाली बात नहीं है। दूसरा यह है कि मस्जिद में आप देखें अलग से खैमा भी लगाया जा सकता है, ये भी बात साबित हो गई। तीसरा यह है कि इयादत के लिए भी ये मकसद हासिल हो जाए तो इसको भी पेश नज़र रखा जा सकता है। वानहा कालत, और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तुरुनी, मैंने रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यस्तुरुनी, वो मुझे छुपा रहे थे, वाना अनजुरु इलल हबशा, और मैं हबशियों को देख रही थी, यलअबून फिल मस्जिद, जो मस्जिद में खेल रहे थे। यहाँ यलअबून का माना जंगी मशकें हैं, जिहादी ट्रेनिंग है, यानी उसमें उस वक्त का खेल
जो मसनून खेल हमें मिलते हैं वो यही है ना, हॉर्स राइडिंग है, तीरंदाजी है, ठीक है, स्विमिंग है। तो मस्जिद में चूंकि स्विमिंग तो हो नहीं सकती, हॉर्स राइडिंग भी मुमकिन नहीं क्योंकि छोटी सी मस्जिद थी, तो वहां पे फिर वही तलवारबाजी और नेजाबाजी और इस तरह के खेल, और ये सारे जिहादी खेल। तो मस्जिद को बतौर मास्कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमें इस हदीस से समझ आती है एक बात। दूसरी बात जो इस हदीस से हमें समझ आती है वो ये है कि सुबहान अल्लाह, खवातीन जो हैं मुजाहिदीन की ट्रेनिंग देख सकती हैं, लेकिन उसमें यह है कि वो खुद नजर ना आए, खुद किसी और के पीछे हो, जैसे रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे उनको छुपाया होता था, और आप वो मुजाहिदीन को देख रही होती थी कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह इस हदीस से ये भी साबित होता है कि अपने अहलो अयाल के लिए कुछ तफरीह का इंतज़ाम भी किया जाना चाहिए, ये भी मसनून बात है, और रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद शफ़क़त और हुस्न सलूक का मतकाजी है कि आप ऐसा किया करते थे, और अपने अहलो अयाल के साथ ये मामला होना चाहिए कि उनकी तफरीह का इंतज़ाम हो, चाहे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग हो या कोई और भी, जैसे बाज़ रिवायात में हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगाने की बात भी आती है। तो इस हदीस से हमें फिर ये बात भी समझ आई कि मस्जिद जो है सिर्फ नमाज की जगह नहीं है, हाँ असल तो वो नमाज के लिए है, लेकिन ये सारे काम जो हैं उसमें मस्जिद में किए जा सकते हैं, और इसके लिए मस्जिद को अवेलेबल रहना चाहिए और ताले नहीं लगाने चाहिए, और ये सारे काम वहाँ पे हों, ताकि वो एक कम्युनिटी सेंटर भी हो, एक मास्कर भी हो, एक मरीजों के लिए की इयादतगाह भी हो, ठीक है, रहने की जगह भी हो, तो ये सारे काम वहाँ पे होंगे। इसी तरह जो अगली हदीस है जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया था कि मुतलकन खैमा भी लगा के किसी को रहने की इजाज़त दी जा सकती है। उमर खलिये हदीस है, शायद यहाँ पे ना हो लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें यह था कि एक वलीदा, वलीदा सौदा उसको कहा जाता है, यानी एक स्याफाम कनीज, वो उसके लिए खैमा लगाया गया था, हज़रत आयशा फरमाती है। तो फकानत अतीनी फतुहद्दिस अंदी, तो हज़रत आयशा कहती हैं वहाँ रहती थी मस्जिद में उस खैमे में, तो कभी कभी मेरे पास आ जाती तो फिर मुझसे बात भी करती वो, यानी मेरे साथ बैठ के कुछ गुफ्तो शनीद भी कर लेती। तो उससे भी ये बात साबित होती है कि मस्जिद में किसी के रहने के लिए खैमा भी लगाया जा सकता है।